हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ मिल्क शेक बनाने का तरीका। और इसमें मैं दो तरह से मिल्क शेक बनाने का तरीका बताऊंगी, मस्कमेलन और ग्रेप्स का मिल्क शेक। तो ये मैंने एक पीस मस्कमेलन का लिया है और थोड़े से ब्लैक वाले ग्रेप्स लिए हैं। तो ये मैं एक एक गिलास बना रही हूँ, इसलिए मैंने इनकी मात्रा कम रखी हुई है। जितना बनाना हो उस हिसाब से इनकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। अब इसके अलावा हमें और लेना है शक्कर, शुगर और दूध लेना है। तो अभी मैं एक गिलास दूध ले रही हूँ, बाद में एक गिलास दूध और लूँगी। तो ये मैंने दूध ले लिया है। तो सबसे पहले अब हमें मस्कमेलन का छिलका पीछे का अलग कर देना है। इस प्रकार से निकाल के इसे अलग कर देंगे और इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। और इस प्रकार से पीस छोटे कर लेने से वो अच्छे से ग्राइंड हो जाता है और अच्छे से पिस जाता है। तो ये मैंने पीस कर लिया और अब इसे जो जूसर का जार होता है उसमें मैं डाल ले रही हूँ। तो इन्हें हम जार में डाल लेंगे और इन्हें पीसना है, इसलिए इस टाइम पे दूध हमें पूरा इसमें नहीं डालना है। और इसमें मैंने 2 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। आप कम मीठा करना चाहें तो 1 चम्मच, या जितना भी आप मीठा करना चाहें उस हिसाब से कम कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, पूरा दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो ये अच्छे से इसके टुकड़े जो हैं पीस नहीं पाएंगे और वो मुंह में आएंगे फिर, इसलिए उस टाइम पे थोड़ा सा डालेंगे। और उसके बाद इसे पीसने के बाद, ये देखिए मैंने इन्हें पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, अब इसे पूरा दूध इसमें डाल देंगे और एक बार फिर से मिक्सी में इसे चला देंगे। और अब ये मिल्क शेक बनके रेडी है। पूरे उसके पीसेस अच्छे से पिस जाते हैं पहले इसे थोड़ा दूध डाल के पीस लेने से। तो ये देखिए मैं आपको गिलास में डाल के दिखा रही हूँ, ये देखिए पूरा 1 गिलास मस्कमेलन मिल्क शेक रेडी है। सभी को बहुत पसंद आएगा ये, आप जरा बना के जरूर देखिएगा। तो चलिए अब दूसरा मिल्क शेक बनाते हैं। इसे एक साइड रख दे रही हूँ मैं। और अब हमें लेना है ये ब्लैक अंगूर, तो इसी जूसर में मैंने इन्हें भी डाल दिया है। और अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे इस टाइम पे, अभी मैंने थोड़ा सा डाला है। और 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। और इसे एक बार मिक्सी से चला के पीस लेंगे ताकि अंगूर अच्छे से पिस जाए। तो ये देखिए मैंने चला दिया है, अब ये अंगूर पूरे अच्छे से पिस चुके हैं। और अब इसमें मैं पूरा दूध मिला दे रही हूँ और इसे फिर से एक बार मिक्सी में चला देंगे। तो लीजिए अंगूर का मिल्क शेक बनके रेडी है। तो इसे भी मैं गिलास में डाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया कलर आता है, कि कलर देख के ही बच्चे तो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं कि हमें तो ज़रूर पीना है। तो आप ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मिल्क शेक रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।